मुझे, मैं कहता हूँ अल्लाह करे जैसी ये कौम है ना 5 साल और इमरान खान इनके ऊपर आए, इन्हें पता चले, ये मैं बद्दुआ दे रहा हूँ इन्हें, ये इन्हें बद्दुआ दे रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, काफ़ी व्यूअर्स आते हैं और वीडियो देखते हैं पर लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाइए, जिसकी वजह से लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महंगाई महंगाई और हाय ये महंगाई, महंगाई बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है और ना सिर्फ मुल्क की तारीख की बल्कि खत्ते में भी बात करें तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह सबको पीछे छोड़ दिया है। इस पे करेंगे आज आम आदमी से बात। 1 करोड़ नौकरी मिल गई है? नहीं मिली। 50 लाख घर नहीं मिले। आवाम गरीब है, आवाम मर गई है, गुर्बत में मर गई है, बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का, नौकरी लोगों ने छिन गई, आवाम बेरोजगार है, कुछ भी नहीं कर सकते। जो दिहाड़ी करते थे ना वो बेचारे मर गए, इन्हें टैक्स लगा दिया, हर चीज लगा दी, कुछ भी नहीं कर सकता गरीब। पहले भी ऐसे ही था? पहले तो कुछ सही था, इन्हें तो आधे सार बेड़ा गर्क ही कर दिया पूरी आवाम का। जी जी, पहले इनसे पहले वाली हुकूमत कुछ बेहतर थी, इस हुकूमत से कुछ जो पहले वाली हुकूमत थी वो बेहतर थी। अब कद्दू ले लें जी, कद्दू पहले हमें 10-15-20 रुपये किलो मिल जाते थे, अब दुकान से ले लें वहाँ में 80 या 100 रुपये किलो है। अच्छा। जी जी, आलू 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये। अब हमें, मुझे याद है कि मैं खुद बच्चों के लिए लेता रहा हूँ, 100 रुपये की धड़ी लेते रहे हम, 100 रुपये 5 किलो, 100 रुपये की 4 किलो, अब 100 रुपये की 1 किलो है। चीनी ले लें 1 रुपये की, अब 100 की 1 किलो है। पिछली को मैं चीनी 65 रुपये किलो थी। क्या है इतनी महंगाई की एकदम से वजह क्या? वजह ये है कि इस आदमी को पता ही नहीं था मैंने करना क्या है। ठीक है, ये फुटबॉल तो खेलता बॉल खेलता, ये अभी भी कंटेनर पे सीट पे नहीं बैठा, कंटेनर पे ही बैठा भी है। मुझे, मैं कहता हूँ अल्लाह करे जैसी ये कौम है ना 5 साल और इमरान खान इनके ऊपर आए, इन्हें पता चले, ये मैं बद्दुआ दे रहा हूँ इन्हें, ये इन्हें बद्दुआ दे रहा हूँ। जो जो अभी भी ये कह रहे हैं ना, यकीन करें गरीब आदमी का जो किराएदार है उसका, आप जाके, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, लेकिन आप जाके किराएदार को देखें, मेरे गरीब मोहल्ला है मेरे पास, मैं देखता हूँ, यकीन करें कि औरतें बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके चल पड़ी है काम की, काम के लिए। कोई तो नौकरी मिले ना, बेरोजगारी है यहाँ पे, सारे आवाम भूखे मर रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या करें बताए, हम अपने आप को जिंदा मार लें। तब्दीली के बाद आप तब्दीली कहते, तब्दीली आई, तब्दीली आई, क्या तब्दीली आई है हमें बताए, तब्दीली आई है, तब्दीली के नाम पर आवाम को जिंदा मार रहे हैं आप लोग। 4,000 रुपये का मिल रहा, गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? महंगाई की वजह क्या लग रही है आपको? ये जो इमरान खान है, ये पहली बार है, इसको पता ही नहीं है कैसे ये हुकूमत चलानी है, कैसे नहीं चलानी है। 22 साल उन्होंने सियासत भी तो की है ना, 22 साल सियासत की, उन्होंने लोगों की खिदमत की है। शिबाज यहाँ पे कूड़े देख लिए, जगह जगह में फिके में है, पहले लोहर साफ होता था, अब तो साफ ही नहीं होता है। इमरान खान साहब तो अभी हुकूमत में है, 2 साल में कौन सीख जाता है, कोई भी नहीं सीखता। तो दो साल में जितनी इन्होंने लूट मार की है किसी ने भी नहीं की होगी। काम तो ना लगा, लूट मारने की तो ठीक कर रहे हैं ना, खजाने भर रहे हैं, कर रहे हैं खजाने भर रहे हैं, तो वो 1 रुपया नहीं लगाया अभी तक मुल्क में इन्होंने। तो लंगर खाने देखे कितने खूबसूरत हैं, लंगर खानों को क्या करना अगर घर घर ही खाली है लोगों के, तो साफिर खाने हमने उनको क्या करना है, मिलियन ट्री हमने तो अपने ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मनसूबों को क्या करना है अगर लोगों की खाने के घरों में नहीं पूरा होना। तो गरीबों का वो हाल कर दिया है कि आप देखें, गरीब कई घर खाना नहीं पकता, इसके घर तो हर चीज़ पकती है, मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, ये प्रोटोकॉल नहीं तो और क्या कर रहा है तू, और क्या कर रहा है तू, लेकिन अच्छा सा सोच रहा है, देखा मुल्क का इमेज अच्छा सोचा हो तो इमाम इस तरह परेशान ना। आपने उनकी तकरीर सुनी है, कितनी खूब, बहुत तकरीर ही तो उन्होंने सीखी है करनी, और उन्हें कुछ नहीं आता करना, कम से कम आपको बगैर देखे पर्ची पे वजीर आजम तो मिल गया। अच्छा नहीं ना मिला, अच्छा मिला होता तो आज मुल्क खुशहाल होता, हर बंदा खुशहाल होता, वजीर आजम अच्छा नहीं मिला। इतनी महंगाई, एक सब्जी एक प्याज ले लें आप, जो 20 रुपये किलो था अब वो 80 पे जा गए, 100 आलू 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 पर केजी 80 रुपीज, अंदाजा लगाया ना आप, तो ये 10 रुपये में मिलता था आलू। हाँ, अब गरीब आवाम क्या करेंगे, ये तो हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत कोई भी हो,
ये हुकूमत को चाहिए कि आवाम को सस्ता चीजें दे। अच्छा, पुरानी हुकूमतों में भी, गुज़श्ता हुकूमतें हैं, उनमें भी इतनी महंगाई थी? नहीं, वो कम थी, लेकिन बात वही आ जाती ना सियासत की, है ना, सियासत की बात आ गई। वो ये कहते हैं कि वो लूट के ले गए, वो लूट के ले गए, खाली कर दिए। सब्जियां लूट के ले गए, आटा लूट के ले गए, चीनी लूट के ले गए, वो पैसे ले गए लूट के, वो ये कहते हैं ना। अवाम तो कोई भी नहीं कहती ना, अवाम को मौका नहीं मिलता रोटी के चक्कर में, रोटी के चक्कर में तो वो भूखे मर रहे हैं। आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या गरीब आदमी की, आदमी की कोई सुनवाई है? क्या आपको कोई रोटी, कोई कपड़ा, कोई मकान, कोई घर, कोई कुछ भी नहीं, कोई नौकरी तो मिलेगी? इधर ये हुकूमत ने कुछ भी नहीं देना, सिर्फ ये झूठी हुकूमत है, इसने कुछ भी नहीं करना, इन्हें वह आवाम को लूटना है, गरीब बंदों का हक खाना है इसने, ठीक है। इमरान खान साहब की हुकूमत? हाँ जी, इमरान खान साहब बड़ी खूबसूरत हुकूमत है, बड़े अच्छे वोट के साथ आई है, बड़े बड़े वादे किए हुए हैं, करके आई है, कहाँ वोट के साथ आई है, शेर के वोट, वो बल्ले को, बल्ले को डाल दिए उन्होंने। अभी लोगों ने बताया कि वोट तो डले हैं, वोट तो डले होंगे पर इतने नहीं डले होंगे जितने शेर को वोट डले होंगे। चले, अब तो हुकूमत में है ना, मेरी बात सुने, उससे इससे अच्छा चोर ही अच्छे हैं। चोरों के हुकूमत में चीनी तो 50 रुपये किलो थी, आटे का थोड़ा 650-650 रुपये का था, ठीक है, गरीब आम रोटी तो खा रही थी ना, इसने तो आम को मार दिया। हुई है आज बहुत ज़्यादा महंगाई है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी इतनी महंगी है, घी इतना महंगा है, ये सब्जी का हिसाब लगा लो तो टमाटर अदरक जो है, अदरक ही नहीं मान, अदरक इतना महंगा, टमाटर महंगे हैं, गोभी सब्जी हर चीज़ महंगी है। एक टाइम हम खान साहब ये भी तो कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, निकाल लें। भाई मुश्किल का वक्त कितना साल, कितने अरसा हो गया, गरीब आदमी जब मर जाएगा तो फिर मुश्किल हल होगी, इसी इतनी मुश्किल है कि रोटी तक, बच्चे तक एक टाइम खाते हैं, दो टाइम भूखे रहते हैं। यहाँ तो गरीब को और गरीब किया जा रहा है, गरीब को और गरीब किया जा रहा है, खुशहाल नहीं किया जा रहा, गरीब के गले में फांसी का फंदा देकर इसे बेहतर है कि मार दें। अनगरीब कोई बेहतरी नजर आ रही है? कोई चांसेस नहीं है, इससे तो बेहतर है कि खुदा के वास्ते ये सीट छोड़कर ना आवाम से माफ़ी मांग ले। खाली इमरान खान साहब या पूरी कबीना, पूरी की पूरी कबीना लायक है? जिंदा है? नहीं, बस लाते कब्रों में चले गए हैं, और क्या। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया कि गरीब आदमी जो परेशानी से दो चार है? एक तो गरीब आदमी पहले परेशान है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई, बंदा खाए क्या, ठीक है, ऊपर से जॉब भी नहीं है, बंदा कमाए। तो हर दौर में होती है, लेकिन पिछले दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आप हैं अब, यानी काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद भी हो गई हैं, ठीक है, जहाँ पे 1 लाख बंदे काम करते थे वहाँ 10,000 काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, बंदा क्या करे। है ना, हमारे खान साहब ने, हुकूमत ने गरीब का जो है ना वो जीना मुश्किल कर दिया बिल्कुल। क्या क्या महंगा हो गया है, क्या इंसान की जो अशिया ज़रूरिया है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, आटा रोटी दाल चावल, ये सस्ते हैं कि नहीं? ये भी बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जो है ना हमारा जो है ना, अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जो हम खाते पीते हैं, जिस तरह हमारी चीनी होगी और आटा हो गया ये, और दालें वगैरह, हत्ता के पहले जो लोग, पहले ज़माने में लोग कहते थे कि जी हम दाल रोटी खा रहे हैं, तो अब तो बंदा जो है ना दाल रोटी भी नहीं खा सकता। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरीके से अब लोग खुल के इमरान खान के खिलाफ हो चुके हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इमरान खान के खिलाफ रैलियाँ निकालने वाली हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली हैं। 2 साल के अंदर ही इमरान खान ने मुल्क को बर्बादी के राह पे ला दिया है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता रो रही है और दुखी है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अब वो आम लोगों के बस के बात से बाहर हो चुकी हैं, और यहाँ तक कि पेट्रोल भी काफ़ी महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे पाकिस्तान में आवाज़ें उठने लगी है कि इससे तो अच्छा नवाज शरीफ ही था जिसने करप्शन की, मगर कम से कम लोगों को खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती मिल जाती थी। इमरान खान ने 2 साल से जो पाकिस्तानी जनता को ख्वाब दिखाए हैं वो चूर चूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब मीडिया भी खुल के इमरान खान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ इमरान खान की पोल पट्टी भी दुनिया के सामने खुल के आ गई है कि वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ना कि इलेक्टेड। उसको खाली फौज ने अपने मकसद के लिए ही बिठाया था कुर्सी पर, इसके अलावा इमरान खान का कोई काम नहीं था पाकिस्तान के अंदर, मगर अब वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को संभाल नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ से भी बातें निकलती जा रही हैं, क्योंकि हर बंदा परेशान है इमरान खान की वजह से पाकिस्तान के अंदर। ना तो वो पॉलिटिकली कहीं कामयाब है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत धुल के रह गई है, ना तो पाकिस्तान के हाथ में कश्मीर है जिसके वो ख्वाब दिखाता था। अब दुनिया के सामने 2 साल के अंदर सच्चाई सामने आने के बाद इमरान खान को बोलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ पाकिस्तान में आग लगी है महंगाई की,
और इसको रोकने के लिए वो उल्टे सीधे केस कर रहा है ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी चोरी ये छिप सके। आगे आगे देखते जाइए फ्रेंड्स किस तरीके से पाकिस्तान के हालात बदलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं आने वाले टाइम में बहुत बड़ी घटना पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। यहाँ तक कि इमरान खान का तख्ता पलट भी हो सकता है कुछ महीनों के अंदर, क्योंकि अब फौज भी इसको झेल नहीं सकती, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान ने डिसीजन लिए पिछले 2 साल के अंदर उसके हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।